जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट। जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें JSSC झारखंड में जो आपका लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट की वैकेंसी है, कैसे आप जो आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें टोटल पोस्ट की, तो इसमें 690 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका एज लिमिट यहाँ पर 21 से 40 साल मांगी गई है। वहीं आपके SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। वहीं सैलरी की बात करें तो आपकी 45,700 से लेकर आपका जो है ऊपर ही होने वाली है पर मंथ की। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये है, SC ST के लिए 50 रुपये। 5 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 4 मई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। इसमें कोई करेक्शन गलती हो जाती है तो इसमें आपका अच्छा ऑप्शन ये है कि 10 मई से लेकर और 12 मई तक आप जो है इसमें करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए लैब असिस्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों की दी हुई है। यहाँ पे आपका बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका रिटन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है आपका जो है यू हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ JLACE 2022, तो JLACE में आपने 2022 में रजिस्ट्रेशन किया है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको सिटीजन कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूछता है इंडियन सिटीजन है तो आपको यस करना होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है आपको आपका नाम, तो आपको नाम डाल देना है एंड उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको याद रहे सारी चीज़ जो है आपको एक बार में ही अच्छे से डाल देनी है, कोई भी गलती नहीं करना है। सबसे पहले ईयर डालना है एंड मंथ डालना है एंड डेट आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम डाल देना है एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपका मदर्स नेम। तो आपको ये क्या है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है, कोई गलती करेगा तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछता है आपका जेंडर, तो जेंडर में क्या है, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है आपके पास झारखंड का मूल निवास है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर यस करेंगे तो आपको मेरिटल स्टेटस यहाँ पर डालना होगा एंड आपको यहाँ पर पूछता है किस डिस्ट्रिक्ट का है तो वो आपको लिखना होगा। ये लिखने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा आपका रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल OBC SC ST वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पूछता है आप नेवी या एयरफोर्स आर्मी किसी में एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है नो कर देना है। वहीं मैं आपको पूछता है आप अंडर स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है फिजिकल हैंडीकैप है तो आपका यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। यहाँ पे आपको डालना होगा आपका आधार नंबर, तो आपको आधार नंबर जो है यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे दिखाई देगा आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपके कोई चेहरा पे तिल है या कोई कट है वो आपको डालना होगा। आपके बॉडी मार्क्स में कोई कट वगैरह है तो आप वो अपना डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका एड्रेस, तो आपको यहाँ पर आता है परमानेंट एड्रेस एंड करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो दोनों आपका अलग अलग दिया हुआ है तो आप कैसे जो है इसमें कर पाए। इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका होने वाला है, तो वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको करना होगा। एंड आपका नेक्स्ट दिखाई देगा आपको यहाँ पर कि आपका जो है आधार कार्ड के हिसाब से आपको एड्रेस कर लेना है एंड आपका जो मूल निवास है वही आपको डालना होगा। यहाँ पर जैसे आपका विलेज है तो विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा, पोस्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद उससे आपका तहसील है तो आपको डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। ये करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको विलेज फिर से डालना होगा एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है, राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा आपका पिन कोड, तो आपको यहाँ पर पिन कोड जो है डाल देना है। तो डालने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये करने के बाद यहाँ पर पूछता है आपका परमानेंट एंड करेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो सेम डाल सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है आपका मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके मोबाइल नंबर पर आती है। अगर आप किसी और का नंबर लगा देते हैं या ईमेल लगा देते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद का ही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको दोनों अपने ही लगाने एंड आपको कंफर्म कर देना है। तो ये कंफर्म करने के बाद नीचे दिखाई देगा आपको
सेंटर पोस्ट प्रीफ्रेंस, तो आप पोस्ट प्रीफ्रेंस कौन कौन सा फर्स्ट देना चाहते हैं, कौन सा आपको सेकंड देना चाहते हैं, तो आपको तीनों चॉइस जो है आपको चूज करनी होंगी। तीनों चॉइस चूज करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा आपका जो है टेंथ आपने किस बोर्ड से पास किया था, किस इंस्टीट्यूट से किया था, वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पर आपका टेंथ का इंस्टीट्यूट डालना है, किस इंस्टीट्यूट से पास किया था एंड किस बोर्ड से आपने पास किया था वो डालना है, एंड किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपका पूछता है यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज क्या था, वो आपको डाल देना है। वहीं आपका ट्वेल्थ का पूछता है आपने ट्वेल्थ किस बोर्ड से पास किया था, किस कॉलेज से किया था, वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या था, वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपको पूछता है ट्वेल्थ आपने किस सब्जेक्ट से पास किया था, तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद नीचे दिखाई देगा आपका ग्रेजुएशन आपने किस इंस्टीट्यूट से पास किया था, वो आपको डाल देना है। ये डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा किस बोर्ड से पास किया था, तो वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद किस ईयर में पास किया था, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपका परसेंटेज कितना था, एंड आपका सब्जेक्ट कौन सा था, वो आपको लगाना होगा। तो लगाने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट का ऑप्शन, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका चेक प्रिंट आ जाएगा, तो आपको एक बार चेक कर लेना आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती नहीं है तो आपको क्या यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। यहाँ पर चेक कर लें आप, उसके बाद आपका करेक्शन डेट में हो पाएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आपका गलत है तो एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपका देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल चुका है और आपके मोबाइल और ईमेल पे भेज दिया गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको डालना होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉगिन होकर आ जाएगा। एंड जैसे आपने लॉगिन किया है यहाँ पर पे का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्या है पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेमेंट के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, तो आपको क्या है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको दिखाई देगा कैंडिडेट लॉगिन प्रिंट एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको प्रिंट अपना ले सकते हैं एंड आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।